राम लखन को बहगाना मैं सीता को हर बाबा मालिक कहता है अरे भांजे वो साक्षात भगवान है। बाल कांड में बिन फर बाण राम ते ही मारा सत जो जन का सागर आया। भगवान राम ने ताल का बल के समय फिर फर का बाण मुझे मारा था तो मैं उस बाण से सीधे लंका में आके गिरा। वो भगवान है तू मेरी बात मान उनकी शरण में चले जा। पर रावण कहां मानता ये मामा मारिश के लिए कही गई ये बात कि संगत ऊंच की दुष्ट करे खलरा तजे पॉइंट पे आ गया। तो महाराज रावण कहते मेरा साथ देगा अगर साथ देगा मेरा नहीं तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले अरे यमपुरी तुझे तो मेरी बात मान नहीं तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। तो मामा मारिच कहता देखिए वहां जाऊंगा तो मरूंगा और इसका काम नहीं करूंगा तो ये मारेगा। तो मामा मारिच मन में सोचता है चलो मैं तुम्हारा काम करूंगा। पर मन में क्या सोचता है कि आज मैं जाऊंगा अपने दोनों नैनों से साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान को देखूंगा अपने नैनों को सफल करूंगा आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और बात मान जाता है रावण की और चल जाता है मृग बन की और दरबार में सामने डोलने लगता है। देखिए भगवान के दर्शन करना है पर काम किसका किया महाराज उसने महाराज रावण की बात मानी और जाके सामने बिल्कुल घूमने लगा तो सीता जी कहती है देखकर मृग को कि कितना सुंदर है राम जरा देखो तो सही अरे लाओ इसको मार कर मेरी मानो तो सही कितना सुंदर है जरा देखो तो सही अरे लाओ इसको मार कर मेरी मानो तो। भगवान राम कहते हैं मेरी प्यारी सीता मेरी मानो तुम कही अरे आज तलक सोने का मैंने देखा ही नहीं। मगर सीता जी जिद करती हैं भगवान राम चले जाते हैं और लौट लौट के मारीच भगवान के दर्शन करता है जीवन को धन्य करता है। और जैसे ही राम भगवान उसको बाण मारते हैं तो गिर के क्या कहता है मामा मारी आपके गांव में रामलीला होता है हे सीते बचाओ हे लक्ष्मण बचाओ तो संगत ऊंच की दुष्ट करे खलना तजे अपनी खलताई। भगवान के दर्शन तो किया पर अंत में काम किसका किया मां साहब काम के को करो मामा मारी ने रावण को काम करो।